नमस्कार, व्लॉग्स विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब पर क्रिएटर हैं, चाहे आप टीचर हैं, आप क्लासेस पढ़ाते हैं, रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड करते हैं, या फिर आप टेक का चैनल या किसी और भी प्रकार का चैनल अगर आप बनाते हैं, आप वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपसे कोई बड़ी गलती हो जाती है वीडियो में और आप उसको ना पहले जान पाते हैं बनाते वक्त, उसको एडिट करते वक्त भी आपके ध्यान से वो चीज़ निकल जाती है। वीडियो आप तैयार कर लेते हैं और वीडियो को आप अपलोड कर देते हैं, वीडियो चलना शुरू हो जाती है यूट्यूब पर। उसके बाद अचानक आपको किसी कमेंट से या किसी मित्र के द्वारा आपको बताया जाता है, या आप खुद ही रियलाइज़ करते हैं कि वीडियो में कोई मिस्टेक हो गया है जिसको हटाया जाना ज़रूरी है। कोई एक मिनट का, आधा मिनट का, या दो चार मिनट का, या दो चार सेकंड का, कहीं पे कुछ ऐसा मैंने बोल दिया है जो ज़रूरी है हटाना, उतना वीडियो का पार्ट। लेकिन आपका वीडियो अच्छा चल गया है, कुछ व्यूज आ गए हैं, वाच टाइम आ गया है, आप उस वीडियो को डिलीट नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो वीडियो यूट्यूब पर हमने अपलोड कर दिया है उसी में ये सुधार हो जाए, उसी में से वीडियो एडिट हो जाए, तो ये भी किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो वीडियो YouTube पर अपलोड की जा चुकी है उसमें अगर बीच से या किनारे का या कहीं भी कोई पार्ट आपको हटाना है, उसमें कुछ संशोधन करना है, डिलीट करना है, तो उसे कैसे कर सकते हैं, तो चलिए इस चीज़ को हम सीख लेते हैं। सबसे पहले आप अपने लैपटॉप में जो है अपना स्टूडियो लॉगिन कर लीजिए। कंप्यूटर के जो वेबसाइट पर ही स्टूडियो सुविधा है उसमें आपको ये भी फंक्शन मिलता है, अभी ये मोबाइल पे फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। मोबाइल के ऐप में जो स्टूडियो ऐप है उससे आप इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में स्टूडियो को लॉगिन करेंगे अपने चैनल को, तो वहाँ से आप इसे कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए एक चैनल लॉगिन कर लिया है, कपिल एंड सक्षम ब्लॉग्स। तो इस चैनल पर किसी एक वीडियो का कुछ पार्ट हम हटा करके दिखाएंगे आपको, तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। आप अपने स्टूडियो के जब डैशबोर्ड पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर जो भी वीडियो आपको एडिट करनी है जिसमें, उसको पहले आप ले आइए सामने, यानी आप कंटेंट में जाइए, कंटेंट बटन पे क्लिक करिए और जो भी वीडियोस हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। इसी पहले वीडियो में ही हम कुछ एडिट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें एक एडिट बटन दिया होता है, एडिट बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, ये सारी चीज़ें एडिट करने का ऑप्शन दे दिया जाता है। लेकिन हम वीडियो के अंदर एडिटिंग करना चाह रहे हैं कि उसके अंदर का कोई पार्ट हटाना चाह रहे हैं या ब्लर करना चाह रहे हैं, चेहरा छुपाना चाह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो बनाते वक्त आपने किसी व्यक्ति का चेहरा या कोई ऐसी चीज़ दिखा दी है जिसको बाद में आप छुपाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी की जा सकती हैं वीडियो में। तो चलिए सब कुछ हम आपको यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। तो जब आपने यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर लिया है तो यहाँ बाईं तरफ पैनल जो है इसमें एक ऑप्शन आता है एडिटर। ये यूट्यूब स्टूडियो की तरफ से एडिटर एक ऐप जो है यहाँ प्रदान किया जाता है फैसिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे और आप यहां पर आ जाएंगे वीडियो एडिटर में। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा जहां पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। अगर आप पहले ये कर चुके हैं एक बार तो अगली बार ये चीज़ नहीं आएगी, सीधे आपका इस तरह से कुछ लुक जो है खुल करके आएगा, जहाँ पर देखिए यहाँ पर दिए गए हैं अनडू और रीडू बटन। अगर आप कंप्यूटर चला लेते हैं तो आपको पता होगा अनडू और रीडू का मतलब क्या होता है, यानी एडिट करते वक्त अगर कोई चीज़ आपसे हो गई है उसको वापस करना चाहते हैं तो अनडू बटन का प्रयोग कर सकते हैं या रीडू फिर से उसे करने के लिए। तो ये दो बटन इधर दिए रहते हैं। यहाँ पे एक जो है आपको दिया रहता है बटन डिस्चार्ज डिस्कार्ड चेंजेज, यानी कि अगर इसमें कुछ आपने एडिट किया और बाद में आपको लगा नहीं इसको मुझे सेव नहीं करना है, वैसे ही कर देना है, तो आप डिस्कार्ड चेंजेस पे क्लिक करके फिर से वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन ये सेव करने से पहले ही। और ये जो सेव बटन दिया गया है, एडिट करने के बाद में जब आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो फाइनल जो भी एडिट आपने किया है वो आपके वीडियो में हो जाएगा, उसके बाद में आप डिस्कार्ड चेंजेस को नहीं कर पाएंगे। तो पहले अच्छी तरीके से आपको सेट कर लेना है, उसके बाद ही सेव करना होता है। तो यहाँ पे देखिए वीडियो दी हुई है, वीडियो को आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर वीडियो प्ले कर देता हूँ। जब वीडियो प्ले होगा तो अब इसमें जहाँ पर आपको सुधार करना है पहले वीडियो को, वहाँ तक आपको ले जाना है ताकि आप उसे
सही कर सकें। तो उसके लिए जैसे एडिटर होता है आपका फिल्मोरा वगैरह या कैन मास्टर जिसमें आप एडिट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे टाइमलाइन आपको एक दिखाई जाती है। अब टाइमलाइन में आप वीडियो में जहाँ पे भी सुधार करना चाहते हैं वहाँ पर आप कर्सर को रख दें, आपको यहाँ पर वीडियो दिखाई जाएगी, उसको आप प्ले करके देख सकते हैं कि इसमें हमें क्या पार्ट हटाना है। तो देखिए, मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि यहाँ पर मुझे फॉल्ट मिली और इसको मैंने यहाँ पर रोक दिया कि यहाँ पर से मुझे वीडियो को हटाना है। तो जब यहाँ पे कर्सर आपने लगा दिया, इसके बाद देखिए यहाँ पर यानी 2 मिनट 21 सेकंड की टाइमलाइन पे हमको ट्रिम कर देना है। देखिए ट्रिम बटन दिया गया है, ये इस ट्रिम बटन पे आप जब क्लिक करोगे तो ये ट्रिम हो जाएगा। इसके बाद नीचे एक देखिए ऑप्शन आ जाता है स्प्लिट का, ट्रिम करने के बाद में हम इसे स्प्लिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक स्प्लिट यानी एक टुकड़ा काट दिया जाएगा। इसके बाद में हम वीडियो को प्ले करेंगे और प्ले करके हम देख रहे हैं कि कहाँ तक हमें पार्ट हटाना है। यहाँ तक मान लेते हैं कि हमने जहाँ पर वीडियो अब रोका है जा करके, यहाँ तक का पार्ट यानी पहला जो हमने ये कट लगाया है और इसके बाद यहाँ तक का पार्ट हमें हटाना है। तो अगला जो ये कर्सर यहाँ पहुँच गया है, यहाँ पर हम स्प्लिट बटन क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखें दो नीली पट्टियाँ आपको दिखाई पड़ रही हैं, यानी दो स्प्लिट हमने लगा दिए हैं, दो जगह पे कट लगा दिया है और इसके बीच का टुकड़ा हमें हटाना है। आप यहाँ पर लेंस का इस्तेमाल करके जूम करके या जूम इन करके जूम आउट करके यानी इसको जैसे देखना चाहें आप देख सकते हैं। आप इसे फिर से एक बार चला के देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट हमने यहाँ पर कट लगाए हैं। अगर कट गलत जगह लग गए हैं या इसे आप रिमूव कर सकते हैं और फिर से नई जगह पे कर्सर रख के और स्प्लिट कर सकते हैं। तो जब सही जगह पर दोनों कट लग जाएँ तब आपको क्या करना है, ये जो पहला कट है इस पर आपको अपना माउस पॉइंटर ले जाना है और इस तरह से एंकर यानी तीर का निशान बन जाएगा दोनों तरफ और फिर माउस बटन को दबा करके इसे खींच करके दूसरे कट तक लेकर के आना है। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों कट के बीच का जो एरिया है वो ब्लैक हो गया है, इसका मतलब है ये इतनी चीज़ सेलेक्ट हो गई है। अब इस पार्ट को हटाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करिए। सबसे पहले आप ये जो प्रीव्यू बटन है इस पर क्लिक करिए और कर्सर को इधर रखिए और यहाँ से प्ले करके आप देखिए वीडियो को और आप देखेंगे कि जितना पार्ट आपने ब्लैक कर दिया है वो प्ले नहीं होगा, सीधे जो है आगे यहाँ से सीधे जो है जंप होके वीडियो यहाँ आ जाएगी और बीच का जो ब्लैक पार्ट है वो ब्लैक पार्ट प्ले नहीं होगा, यानी उतना वीडियो हट गया है बीच से। तो यहाँ पर आपने इतना संशोधन कर लिया, बहुत ईजी है। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ ताकि कोई गलती ना हो, एक पार्ट हमने हटा लिया है। अगर आप इसे नहीं हटाना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया था कि आप यहाँ पे अनडू बटन का इस्तेमाल करके इसे फिर से पूर्ववत कर सकते हैं, जैसा पहले था वैसा कर सकते हैं। देखिए कितना आसान होता है, जहाँ पर से आपको वीडियो का कोई टुकड़ा हटाना है आप वहाँ पे इस कर्सर को रखिए, मान लेते हैं यहाँ पे, और प्ले करके आप वीडियो को देख लीजिए, सही जगह पे वीडियो को रोक दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे ट्रिम, यहाँ पे आपको ट्रिम करना होता है तो आप एडिट ट्रिम करेंगे और यहाँ पे एडिट ट्रिम में आपने एडिट ट्रिम इसलिए किया क्योंकि मैं प्रीव्यू पोजीशन में था, मैंने प्रीव्यू देख रहा था तो एडिट ट्रिम किया, यानी हम फिर से आ गए हैं और सही जगह पे हमने कर्सर को रखा और स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद में अगली जगह पे हमने कर्सर को रखा और वहाँ पर भी स्प्लिट कर दिया, यानी ये बीच का पोर्शन हमें हटाना है और इसको हमने ऐसे एंकर से इस तरह से सेट कर दिया। अब देखिए दो जगह पे हमने कर लिया, आप कितनी भी जगह पर कर सकते हैं, वीडियो में कई जगह पर इस तरह से संशोधन करते जाएंगे। और अगर कोई ट्रिम आपको हटाना है तो यहाँ पे क्रॉस बटन दिया रहता है, आप इसको क्लिक करके आप उसे हटा सकते हैं, यानी कि ये संशोधन मैं नहीं करना चाहता यहाँ पे करूँगा। तो इस तरह से जितनी जगह पे कट आपको लगाना है उतनी जगह पर इस तरह से कट लगा सकते हैं आप हैं। इसके बाद में फाइनल, जब भी फाइनल आपको करना होगा उसके पहले आपको प्रीव्यू देखना होगा। देखिए अभी यहाँ पर सेव बटन हाईलाइट नहीं है, यानी अभी आप इसे सेव नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू में जो भी आपने शेडिंग किया है यहाँ पर उसके पहले आप रखिए कर्सर को और वीडियो को प्ले करके देखिए कि क्या जो भी संशोधन आप करना चाह रहे हैं वो हो गया है वीडियो में। अगर आपको सही लगता है तब आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि यदि आप ना सेव करना चाहें तो आप डिस्कार्ड चेंजेस पे क्लिक करके फिर से इसे वापस वैसा ही कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे ये वीडियो सेव कर दी जाएगी और
इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, एक दो घंटे का भी लग सकता है और कभी कभी ज़्यादा भी लग सकता है। तो उतने समय तक क्या होगा, उतने समय तक आपका वही पुराना वीडियो प्ले होता रहेगा, यानी YouTube पे अगर आपके वीडियो को कोई देखेगा तो उसको वही पुराना वीडियो दिखाई पड़ेगा जिसमें वो संशोधन जो आप करना चाह रहे हैं वो भी प्ले होगा। लेकिन एक दो घंटे के बाद में जब वीडियो प्रोसेस हो जाएगा तब उसमें से वो पार्ट गायब कर दिया जाएगा, आपको वीडियो हटानी भी नहीं पड़ेगी, आपके व्यूज़ भी कम नहीं पड़ेगा, आपका वॉच टाइम भी कम नहीं पड़ेगा और ऑनलाइन ही वीडियो आपकी संशोधित कर दी जाएगी, वीडियो आपको यूट्यूब से डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें अगर आप चाहते हो कि उस वीडियो को कोई ना देख पाए पहले जब तक संशोधन ना हो जाए, तो उसके लिए कॉमन सी बात है, आप वीडियो को प्राइवेट कर दीजिए एक दो घंटे के लिए और जब आपका ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा एक दो घंटे बाद तब उसको आप फिर से पब्लिक कर दीजिए। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं और आप चाहें तो उसको चलने भी दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको क्लियर ऑल कर दिया मैंने। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ कि और क्या एडिट कर सकते हैं आप इसमें। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पे म्यूजिक ऑडियो लगा सकते हैं, अपने वीडियो में कोई ऑडियो आप लगा सकते हैं। अगर पहले से आपने कोई बैकग्राउंड नहीं म्यूजिक लगाया है और बाद में आप उसमें म्यूजिक जोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हो कि उसमें म्यूजिक लग जाए वीडियो को बिना डिलीट किए हुए, तो यहाँ से आप म्यूजिक जोड़ सकते हो। तो बहुत सिंपल तरीका है, इसमें आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और प्लस पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका जो म्यूजिक लाइब्रेरी है यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ से आप जो है म्यूजिक ढूँढ लीजिए और उसको प्ले करके देख लीजिए, और जब आपको वो म्यूजिक अच्छा लगे, जैसे मैं आपको एक म्यूजिक प्ले करके दिखा देता हूँ, मान लेते हैं कि ये मुझे पसंद आया, इसको मैंने रोक दिया और इसमें देखिए ऐड बटन होता है, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही ये हमारे वीडियो में म्यूजिक जो है वो लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपने ऑडियो में परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो म्यूजिक मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे लगा दिया गया है, और इसे आप ना लगाना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे रिमूव कर सकते हैं। तो फिर से मैंने इसे रिमूव कर दिया है, तो ऑडियो लगाना यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक और दिया होता है ब्लर, ये जो ब्लर ऑप्शन होता है, ब्लर ऑप्शन से आप यहाँ वीडियो में कोई फेस या कोई चीज़ ना दिखाना चाहें तो उसे आप ब्लर कर सकते हैं। तो आप अगर वीडियो का कोई पार्ट कोई फेस वगैरह ब्लर करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके देखिए फेस ब्लर और कस्टम ब्लर दो ऑप्शन आ जाते हैं। फेस ब्लर में आप जो है फेस को ब्लर कर सकते हैं, जो भी फेस आप सेलेक्ट करेंगे वो वीडियो में ब्लर कर दिया जाएगा, या फिर आप किसी वीडियो के किसी पार्टिकुलर एरिया को ब्लर करना चाहते हैं तो वो एरिया भी आप सेलेक्ट करेंगे तो वो पूरे वीडियो में ब्लर कर दिया जाएगा, यानी धुंधला कर दिया जाएगा जिससे वो दिखाई ना पड़े। तो इस तरह से आप ब्लर, और देखिए एलिमेंट वगैरह तो आप जानते ही हैं कि आप कार्ड लगाना आई बटन लगाना ये सब वीडियो में कर सकते हैं। तो इस तरह से जो बेनिफिट आपको ये है कि वीडियो अपलोड होने के बाद में उसको बिना डिलीट किए हुए उसको संशोधित किया जा सकता है, उसमें का कुछ पोर्शन हटाया जा सकता है और चेहरे ब्लर किए जा सकते हैं, वीडियो का कोई हिस्सा ब्लर किया जा सकता है। तो इस तरह से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं यदि आपको आवश्यकता पड़ती है। तो मिलते हैं एक और बेहतर जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।